सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कुलदीप वैद हमारे साथ मौजूद हैं। वैद साहब, सीएम साहब ने एक अनाउंसमेंट की 2 लाख रुपए हेल्प करने की, उसको लेकर अब बीजेपी जो है वो बहुत नाराज है। बीजेपी तो नाराज होगी ही, क्योंकि ये काम जो हुआ है सारा कुछ बीजेपी ने ही कराया। जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है वो बीजेपी ने ही सारा कुछ किया है, इसमें और किसी की कंट्रीब्यूशन है? बीजेपी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। हमारे किसान आप देखिए कब से बैठे हुए हैं, किसी ने उनको पूछा तक नहीं है, सिर्फ लिप सिमती हुई है। ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसकी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडे या ट्यूजडे चंडीगढ़ में करेंगे, बिकॉज इसकी बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास है कि कैसे 26 जनवरी को क्या हुआ, 29 जनवरी को 26 जनवरी का इतना रौला नहीं है। 29th को जो हमारे किसान वीर जब वो कोई दिल्ली घूमने गया या कुछ करने, उसको पकड़ के 3307 के पर्चे दे दिए उनके ऊपर, उनको जेल में 40-45 दिन रखा गया, उनको पीटा गया, धर्म के बारे खिलाफ बोला गया। सो ये आप बीजेपी हमें सिखाएगी कि राष्ट्रवादी कौन है? उनका ये कहना है कि जब ये हुआ तब तो कहा गया कि बीजेपी के लोगों ने करवाया, वहां पर जो थे वो बीजेपी के लोग थे और जो चढ़े वो भी बीजेपी वाले थे। देखो, ये किसी ने नहीं बोला कि बीजेपी वाले चढ़े हैं, नो नॉट एट ऑल, दिस इज रॉन्ग। ये जो 26 जनवरी वाला जो ट्रैक्टर मार्च था, इसकी हम रिपोर्ट अभी पब्लिश करेंगे मंडे और ट्यूजडे को। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा हमने, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने मांग की, श्रोमणी अकाली दल के लीडर्स ने डिमांड की, कांग्रेस के लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से डिमांड की एंड हमारे ऑनरेबल स्पीकर केपी राणा जी से मांग की कि इसकी एक ज्वाइंट कमेटी बनाओ। वो ज्वाइंट कमेटी बनाई गई जिसमें 3 कांग्रेस के एमएलए, 1 एमएलए बीबी सरबजीत कौर मानू के, हमारी छोटी बहन आम आदमी पार्टी से हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा श्रोमणी अकाली दल से, मैं उस कमेटी का चेयरमैन बना, सरदार कुलबीर सिंह जीरा उस कमेटी के मेंबर, वो कांग्रेस के हैं, सरदार फतेह जंग सिंह बाजगा वो भी कांग्रेस के हैं। सो हमने 5 लोगों ने बड़ी इसको स्टडी किया, ऐसे नहीं ये रिपोर्ट प्रिंट हुई। हमने लुधियाना में मीटिंग रखी, मोगा में रखी, बठिंडा में रखी, मानसा में, संगरूर में एंड जलंधर, नवांशहर, अमृतसर, हम सभी लोग गए। उसमें आम आदमी पार्टी की एमएलए भी शामिल थी, श्रोमणी अकाली दल की एमएलए वो भी शामिल थे, सभी ने, इसकी तो वीडियो बनी हुई है, कौन इसको डिनाई कर सकता है। हम लोगों ने जब स्टेटमेंट्स लिए उन लोगों को जिनको पीटा गया, जेलों में रखा गया, जेलों में कितना दुर्व्यवहार हुआ, ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है। ये कोई मैं अपनी तरफ से तो कोई बोल नहीं रहा हूं, लेकिन इसकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि राष्ट्रवादी कौन है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब जो बोलते हैं किसानी के हम बड़े हितैषी हैं, उनका बताएंगे कि उनकी जेलों में क्या, क्योंकि जब पुलिस के बारे में तो बोल देंगे आम आदमी पार्टी वाले, देखो जी ये तो हमारे पास तो पुलिस है नहीं, पुलिस तो बीजेपी की है, मान लिया पुलिस बीजेपी की है, ठीक है। ये जो सारे झूठे केस बनाएंगे, इसमें एक भी केस जो है वो ठीक नहीं है। जेल तो अब केजरीवाल के अंडर है, जो सरकारी वकील हैं वो तो केजरीवाल के अंडर है, जो डॉक्टर्स हैं वो तो केजरीवाल के अंडर है। बताएंगे लोगों को कि क्या को इनकी एक एमएलए हमारे साथ थी, वो जिस तरह से नाम लेते हैं दीप सिद्धू का कि उसे बीजेपी से जोड़कर देखा गया था, अब ये हम इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं है, कौन है कौन नहीं है, हम किसी भी कंसर्न में नहीं है कि कौन सा बीजेपी का, जो हमारे सामने तथ्य है हम उसको पब्लिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल एड देने की जो बात की गई है, इसका आधार ये रहा कि वो लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, जेलों में उनके साथ दुर्व्यवहार, वो सभी गरीब परिवारों के लड़के हैं, सभी गरीब परिवार के हमारे वो किसान वीर, उनको क्यों ना मदद दे। वो दिल्ली में अब केसेस भुगत रहे हैं, उनको किसी को फाजिलका से दिल्ली जाना पड़ता है, कोई बंदा अमृतसर से दिल्ली जाता है, उनका खर्चा और उनको, वो तो बेचारे रो रहे हैं। लीगल एड भी देने की बात है, 100% करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलदीप वैद जो कमेटी बनाई गई थी उसके प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, तमाम विषयों पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मदद देने की जरूरत थी और हमारी कमेटी ने यह फैसला किया है, सरकार इस पर डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, M1 प्राइम, दिल्ली।